ये अरबी की सब्जी आज मैं बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही क्रिस्पी बनती है और मसाले बिल्कुल नाम को पाते हैं इसमें, जिसको आप भूखी खा सकते हैं बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी होती है ये। और इसको महीन महीन काट लिया जाता है, इसको छील के महीन महीन काट लेना है, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल महीन करना है इसको, जितनी महीन होगी उतनी क्रिस्पी ये बनेगी। और बहुत इसको आप नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, खाने पर चाहें तो खाने पर भी, न्यू रूखी खाना चाहें तो आप न्यू खा सकती हैं। ये देखिए सब मेरी महीन स्नैक्स के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये देखिए मैं इसमें इस पर इसके लिए हमको सिर्फ थोड़ी सी अजवाइन आधा चम्मच चाहिए, एक टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक बस। ये देखिए तेल गर्म हो गया, उसमें ये मैंने अजवाइन सबसे पहले डाली है, ये थोड़ी गुलाबी हो जाएगी गोल्डन ब्राउन, तो इसमें हम अरबी डाल देंगे। और उसके बाद अभी ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो रही है, ये देखिए हमने ये अजवाइन जो है हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसमें हमने अरबियाँ डाल देंगी। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, इसको आप यूँ ही थोड़ी देर के लिए ढक दीजिएगा 5 मिनट के लिए, और यूँ ही फ्राई कर लीजिएगा उसको रेड, जब गोल्डन ब्राउन रेड हो जाए उसको क्रिस्पी टाइप की, तब उसको आप निकाल लीजिए। अब इसमें हम खाली मिर्च और नमक डाल रहे हैं बस, और कोई मसाला इसमें पड़ना नहीं है। और ये बहुत अच्छी बनती है, अरबी तो लोग बहुत बनाते हैं लेकिन इसका टेस्ट जो है कुछ और ही होता है, ये बहुत अच्छी बनती है इस टाइप का, बहुत हमारे यहाँ तो सब बहुत लाइक करते हैं इसको, आप साइड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के, बहुत ही क्रिस्पी ये साइड में इसकी डिश आप बना के रख सकते हैं। ये देखिए इसको सब मिक्स कर लेना, ये जो है मैंने इसमें जो अरबी डाली है और मिर्च और वो नमक, अब इसको चला के इसको धीमी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ढक के 2-3 मिनट के लिए, मतलब 5 मिनट तो कम से कम रखिएगा, उसके बाद इसको फ्राई कर लीजिएगा बिल्कुल क्रिस्पी तरीके से। ये साइड डिश भी है और बहुत अच्छी डिश है, देखिए ये अरबी जो है फ्राई हो गई, अब इसको मैं डिश आउट करने जा रही हूँ, इसको बिल्कुल क्रिस्पी बना लिया और ये बिल्कुल तैयार है। देखिए डिश आउट कर ली है मैंने और ये क्रिस्पी अरबी तैयार है, अब इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और बहुत ही हल्के बहुत ही मसाले इसमें बहुत ही लाइट है, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होगी, इसको बनाइएगा और खाइएगा फिर बताइएगा। हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। खुदा हाफ़िज़।